शाहरुख खान की स्वदेश में को स्टार रही गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबराय एक बड़ी कार दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग स्विस कपल की मौत हो गई है। ये हादसा इटली में हुआ है जहां गायत्री की लैम्बोर्गिनी से फरारी की टक्कर हो गई है। यह हादसा फरारी के कैंप पर ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ है। इस दुर्घटना में फरारी में सवार स्विस कपल की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल दहला देने वाले इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी को फरारी को टक्कर मारते हुए और एक मिनी ट्रक को हवा में उछलते देखा जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि गायत्री और विकास ठीक है। ये तस्वीरें आप देख रही हैं किस तरीके से फरारी से ये टकराई है लैम्बोर्गिनी और ये कार किस तरीके से हवा में उछलते हुए दिखाई दे रहा है। दर्दनाक हादसे में सिर्फ कपल की मौत हो गई है। स्वदेश एक्ट्रेस गायत्री का एक्सीडेंट हुआ है और ये भीषण टक्कर और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा रहा है जिसमें एक कपल की मौत हो गई है। तो स्वदेश एक्ट्रेस गायत्री का ये एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि गायत्री और विकास अभी ठीक है। तो ये टक्कर की तस्वीर सामने आई है किस तरीके से फरारी और लैम्बोर्गिनी की ये टक्कर हुई है। ये तेज रफ्तार में फरारी जाती हुई दिख रही है और हवा में कार कैसे उड़ते हुए नजर आ रही है। खबर देहरादून से जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर कपिल देव की संपत्ति सीज कर दी है। 50 लाख रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है। कपिल देव पर लूट चोरी नशा तस्करी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। रायपुर स्थित कपिल देव का घर सीज कर दिया गया है और अन्य संपत्ति की भी तलाश की जा रही है। गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है देहरादून से मिल रही है जहां पर बताया जा रहा है कि गैंगस्टर कपिल देव की जो संपत्ति है वो फिलहाल सीज कर दी गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है और 50 लाख की पूरी संपत्ति बताई जा रही है। शाहजहांपुर की जेल में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहां महिला कैदियों को दिवाली में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर के जिला जेल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जेल प्रशासन ने ये अनूठी पहल की है। यहां महिला कैदियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले महीने दिवाली का त्योहार है और ये ट्रेनिंग भी दिवाली को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। महिला कैदियों को अगरबत्ती, धूपबत्ती और दीपावली में बिकने वाले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरे उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करेगी। जेल से छूटने के बाद महिला कैदी आत्मनिर्भर बनकर अपना कारोबार कर सकेंगी, जिससे वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगी। प्रशिक्षण से महिलाओं का हुनर भी सामने आ रहा है। गाय के गोबर और मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों से ऑर्गेनिक धूप बत्ती तैयार हो रही है। ऑर्गेनिक धूप में देसी घी, शहद, तिल के तेल के साथ साथ सुगंध के लिए चंदन भी मिलाया जा रहा है। आगे भी खबरें जारी है। हर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।